अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बाल्टी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत क्विक और आसान है, जल्द बनने वाली है। बाल्टी चिकन बनाने के लिए हमें टमाटरों की ज़रूरत है। ये 6 टमाटर हमें चाहिए इस साइज़ के, और इनका वज़न 500 ग्राम है। इसको हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से ये होता है कि टमाटर अच्छी तरह गल जाते हैं। तमाम टमाटरों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बाल्टी चिकन के लिए पॉट में मैं 1 कप ऑयल गरम करूंगी, मीडियम से हाई हीट के ऊपर। तेल हमारा गरम हो गया है और इसमें मैं ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है, इसके मैंने एक फुल चिकन लेके 24 पीसेस कराए हुए हैं, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन को हम फ्राई करेंगे मीडियम से हाई हीट पर। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई होते हुए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन शामिल करूंगी। लहसुन शामिल करके मैं इसको 2 मिनट तक भून लूंगी। लहसुन को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई अदरक शामिल करके इसको मज़ीद 2 मिनट भूनूंगी। लहसुन अदरक हमारा अच्छा भुन गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। अब मैंने जो टमाटर छोटे काट के रखे थे टुकड़ों में, इनको इसमें शामिल कर देंगे। मैंने हीट को मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून फुल भर के नमक का शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैं मोटी कुटी हुई काली मिर्चें हैं इसको शामिल करूँगी। ये बहुत ही आसान तरकीब है चिकन बनाने की, बहुत क्विकली बनती है ये चिकन। और अगर आपको ये तरकीब अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी मीडियम आंच के ऊपर। उसके बाद हम इसको खोल के इसकी भुनाई करेंगे। 5 मिनट हमारे टमाटरों के साथ पकते हुए चिकन को हो गए हैं। अब मैं इसका ढकना हटा के इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है ये शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये शामिल करूंगी। अब मैं चिकन को खूब अच्छी तरह भून के इसका पानी टमाटरों का और चिकन का बिल्कुल ड्राई करूंगी। अब मैंने चूल्हे की आंच बढ़ा के मीडियम से हाई कर ली है। हाई हीट के ऊपर मैं इसकी भुनाई करूंगी। देखें, चिकन हमारी टमाटर मसाले के साथ अच्छी भुन गई है। इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, ऑयल इसका अलहदा हो गया है। अब मैंने ये 12 हरी मिर्चें ली हैं और इन पर ऐसी कट लगा दिया है। इसको शामिल करके बस मैं 1 मिनट चलाऊँगी। चिकन हमारी अब बिल्कुल रेडी है और इसमें मैं बस थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क के इसको उतार लूँगी। चलें, हमारी बाल्टी चिकन बहुत ही क्विक तैयार हो गई है। इस रेसिपी से ज़रूर आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। जज़ाकअल्लाह।